नमस्कार, क्वेश्चन ऑफ द डे में आपका स्वागत है। और आज का जो प्रश्न है वह नवंबर 2017 में नेट के फर्स्ट पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न इस प्रकार से है कि एक शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पृष्ठों का भाग बनेगा, अर्थात जो आप थीसिस लिखते हैं उसको अंतिम रूप देने के लिए कौन से पूरक पृष्ठ होते हैं, मतलब लास्ट में आप क्या आप ऐड करते हैं। उसका जो ऑप्शन है आपका सारणियों एवं आंकड़ों की सूची, विषय सारणी, अध्ययन के निष्कर्ष और ग्रंथ सूची अर्थात लिस्ट ऑफ टेबल एंड फिगर, टेबल ऑफ कंटेंट, कंक्लूजन ऑफ द स्टडी एंड बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिसेस। अब देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, तो आप देख रहे हैं कि जो सारणी और आंकड़ों की सूची होती है ये तो हम पहले ही लगा देते हैं ना कि विषय वस्तु आपका, जब जैसे बुक में पहले ही आपका विषय वस्तु रहता है टेबल ऑफ कंटेंट, तो यहाँ पर हमें ये पूरक पृष्ठों के रूप में नहीं चुनना है। फिर विषय सारणी जो आपका होता है ये भी नहीं होता, आंकड़ों की सूची ये भी नहीं होता, अध्ययन के निष्कर्ष लास्ट में होता है, लेकिन जो थीसिस लिखते हैं और सबसे लास्ट का जो पूरक भाग होता है वो होता है आपका बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिसेस। इसमें क्या करते हैं आप जो जहाँ से जो कंटेंट लिए होते हैं उसकी उसका डाटा देते हैं कि यहाँ यहाँ से हमने अपने डाटा जो आपके जो कंटेंट है उनका चुनाव किया, और लास्ट में आप परिशिष्ट लगाते हैं जो उसमें जो आपने प्रश्नावली यूज़ की या जो भी अनुसूची यूज़ की वो सारी चीज़ें, जो डाटा आपके सैंपल होते हैं उनकी डिटेल सारी चीज़ें आप लगाते हैं। तो जो आपके पूरक पृष्ठ होते हैं और उसके रूप में अगर हमें चुनाव करना है तो ग्रंथ सूची और परिशिष्ट ही आपका आंसर होगा।